रिलेटेड। और राकेश का सवाल मैं लूंगी सबसे पहले, जो बोल रहे हैं कि पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न ये भर रहे हैं, तो रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या कदम है जो आपको अपनाने चाहिए और आसानी से आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहते हैं ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो सबसे पहले इन्हें कहाँ लॉग इन करना होगा और किस तरह से आगे बढ़ना होगा सर? देखिए ऐसा कविता, मुझे लगता है कि उनके पास उनका पैन नंबर है। हाँ, ओके। अभी उनको जो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है, ई फाइलिंग इनकम टैक्स इंडिया .gov.in पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते टाइम आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी पड़ती है, वो बेसिक वन टाइम डालना पड़ता है। इसके अलावा आपको आप जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं रेगुलरली और आपका जो मोबाइल नंबर है वो दोनों डालना है। और इनकम टैक्स वेबसाइट से आपको एक पेयर आएगा, जो आधा कोड है वो आपको मोबाइल पे आएगा और आधा जो कोड है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। वो आपको कोड आपको की इन करना है, जिससे आपके जो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है वो दोनों अपडेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। एक बार आपका अगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद में आप लॉग इन करने के बाद में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आप वो आईटीआर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आईटीआर 1 फाइल करना है तो वो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, मतलब आपको फॉर्म डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जो डाउनलोड करना है वो एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी में कर सकते हैं। ये सब एक्सेल की शीट से और जावा में भी शीट से सब इंस्ट्रक्शन से, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन से आपको सब जो शीट से वो वैलिडेट करनी है। एक बार आपकी जब, और कहीं पे भी अगर कोई वैलिडेशन में भूल हो जाएगा तो आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि आपकी ये गलती हो रही है, आप इसको सुधार दीजिए। एक बार जब आपका सब वैलिडेट हो गया तो एक XML फाइल जनरेट होती है, आपको वो XML फाइल आपके अपलोड करनी। क्या क्या दस्तावेज मेरे पास होने चाहिए? दस्तावेज आपको इनकम टैक्स में तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, परंतु आपके पास में जो आपकी विभिन्न सोर्स से जो इनकम आती है वो सब आपको एक पेपर पे बनानी पड़ेगी। मतलब जैसे रेगुलरली कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम बोलते हैं उसको, जैसे आपकी सैलरी में कितनी इनकम है, उसमें क्या क्या एग्जम्पशन वगैरह, हाउस प्रॉपर्टी में क्या इनकम है, आपका अदर सोर्सेज में क्या इनकम है, वो इनकम को आपको टोटल करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या डिडक्शन वगैरह मिलते हैं वो क्लेम कर, मतलब बताना पड़ेगा, वो फॉर्म में अलग अलग जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी भरने की। ऑल राइट, तो योर मनी पर हमने आपके लिए इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बना लिया है। हमने आपके लिए वो 10 स्टेप्स हम लेकर आए हैं जो आपको अपनाने हैं अगर आप ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो राकेश जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो जैसा कि बलवंत जी ने भी समझाया, आपको www.incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा, पैन नंबर आपके पास है जो आपके यूजर आईडी के तहत काम करेगा, उसके बाद आप जाइए और आईटीआर भरने वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी चीजें उसमें फिल करनी होंगी, भरनी होंगी, वो आप भरेंगे, उसमें सबमिट करेंगे। अगर कोई टैक्स आपका बकाया है तो आपको तुरंत के तुरंत उस वक्त भर देना होगा। ये सॉफ्टवेयर में आपको वो जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितना टैक्स चुकाना है। उसके बाद जैसा बताया बलवंत जी ने, एक XML फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा जो आपको सेव करना है। उसके बाद आप वापस उस वेबसाइट पे जाएंगे और इस फॉर्म को आप वहां पर अपलोड करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर भी अगर आपके